शाम के 5 बज रहे थे। चिंटू चिंटी अपने फ्रेंड्स रिंकू और पिंकी के साथ साइकिलिंग करने के लिए पार्क में गए। चार फ्रेंड्स साइकिलिंग कर रहे थे, तभी पिंकी कहती है, चलो गाइस रेस लगाते हैं। गुड आइडिया पिंकी, चलो लगाते हैं। बच्चों की रेस चल रही थी, तभी रिंकू चीटिंग करके चिंटू को गिरा देता है, जिसके कारण चिंटू नाराज हो जाता है। चिंटू और रिंकू में लड़ाई हो जाती है। चिंटू कहता है, ये चीटिंग है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। चिंटू नाराज होकर चला जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर वो देखता है कि दो लोग एक बूढ़े आदमी को घर से धक्के मारकर निकाल रहे हैं और वो आदमी बहुत रो रहा है। अंकल आप क्यों रो रहे हो? वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। चिंटू जल्दी से जाकर अपने सारे दोस्तों को बुलाता है। अंकल क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रहे हो और आपको लोगों ने घर से क्यों बाहर निकाला है? बूढ़ा आदमी रोते हुए कहता है, बच्चों वो लोग गुंडे हैं, उन्होंने मेरा घर हड़प लिया है। वो एक घर था जो मेरे बुढ़ापे का सहारा था, अब मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा? अंकल आप फिक्र ना करें, हम कुछ करते हैं। बेटा तुम लोग क्या करोगे, वो लोग बहुत खतरनाक है। अंकल आप फिक्र ना करें, हम लोग आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। अंकल हम लोग आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपका घर आपको वापस दिलाएंगे। चिंटू चिंटी रिंकू और पिंकी ने तो प्रॉमिस कर दिया था, लेकिन अब वो क्या करें उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लोग पार्क में बेंच पर बैठकर सोचने लगे, तभी उन्हें उनके एक दोस्त के बारे में याद आता है, जिसका नाम था ऑफिसर टिंकू। सब बच्चे मिलकर ऑफिसर टिंकू के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। बच्चों क्या आप लोगों ने घर के पेपर्स लाए हैं? सॉरी अंकल हम लाना भूल गए। रुकिए अंकल मैं भी भागते हुए जाकर लाता हूँ। चिंटू जल्दी से जाकर घर के पेपर्स लेकर आता है और टिंकू अंकल को लाकर दे देता है। टिंकू अंकल जब पेपर्स को चेक करते हैं, कि बच्चों उन गुंडों ने वो घर के घर उनके नाम कर लिया है और अब उन्हें वहाँ से हटाना मुश्किल है। हमने उनसे प्रॉमिस किया है अंकल, हम उन्हें अपना घर जरूर दिलाएंगे। तो ठीक है बच्चों कुछ सोचते हैं इस बारे में। तभी चिंटू अंकल को अर्जेंट फोन आता है और उन्हें दूसरी सिटी जाना पड़ता है, जिसके कारण वो बच्चों की मदद नहीं कर पाते। बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं। गाइस हम लोग एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं पिंकी? देखो जैसे हम लोगों को मालूम है कि टिंकू अंकल हमारी मदद नहीं कर सकते, तब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ये सबको पता है, लेकिन क्या करेंगे? रुको तो सही, मुझे बताने तो दो, मेरे पास एक आइडिया है। जल्दी बताओ ना, फिर कब से बोल रही हो? तो देखो हम उन बूढ़े अंकल के साथ एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम सब लोगों को बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। और क्या पता हमारा ये वीडियो देखकर दूसरे पुलिस स्टेशन से कोई पुलिस आकर हमारी मदद कर ले। हमें तो सिर्फ चिंटू अंकल के बारे में पता है, उसके अलावा हम किसी को भी नहीं पहचानते। गुड आइडिया। हाँ वैसे आइडिया तो अच्छा है। बच्चे उन बूढ़े अंकल के पास जाते हैं और उनका वीडियो बनाते हैं, जिसके कारण दूसरे पुलिस स्टेशन से पुलिस आ जाती है और उन बच्चों की मदद कर देती है। इस तरह उन बूढ़े अंकल को उनका घर वापस मिल जाता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं।